Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today's video is going to be a little different than what I normally upload on my channel. तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मिस मार्वल का स्कल्पचर। तो जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि मार्वल ने एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है जो कि है मिस मार्वल, तो इसीलिए मुझे इसको बनाने का आइडिया आया। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है ये एयर ड्राई क्ले, जो कि मुझे बाद में रिग्रेट हुआ कि मैंने ये क्यों ही ली, क्योंकि जो क्ले आर्टिस्ट्स होते हैं वो यूजुअली इस तरह के स्कल्पचर्स बनाने के लिए पॉलीमर क्ले का यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी हल्की होती है एंड इजी टू हैंडल होती है, एंड उसे आप अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकते हो एंड वो जल्दी ड्राई भी नहीं होती है। एंड एयर ड्राई क्ले का तो आपको पता ही है कि ये काफ़ी हैवी होती है एंड ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाती है, तो इससे काम करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। अब स्क्यूर स्टिक और न्यूज़पेपर का स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसके ऊपर हम अपनी क्ले लगाएंगे ताकि जो क्ले है वो कम यूज़ हो। एंड गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बता दूं कि मैंने ये प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़ दिया था, क्योंकि इसे हैंडल करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट फिर मैंने सोचा ओके लेट्स नॉट गिव अप, फिर मैंने दोबारा से ये बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अब मैं यहाँ पर इसकी दोनों लेग्स को अटैच कर रही हूँ इसकी बॉडी के साथ। तो दोनों लेग्स अटैच करने के बाद अब हम बनाएंगे इसका कॉस्ट्यूम, जो कि है एक ब्लू कलर की ट्यूनिक। तो इस क्राफ्ट नाइफ की हेल्प से मैं इसकी कॉस्ट्यूम को शेप दे दूँगी और इसकी बॉडी पर स्टिक कर दूँगी अच्छे से। तो इसका एक शू मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ एंड हम इसका दूसरा शू भी बना लेंगे। तो इसकी आर्म्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जस्ट क्ले का ही यूज़ किया है। इस पर मैं थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ एंड इस टूल की हेल्प से मैं इसके हैंड्स को डिटेल दे रही हूँ। उसके बाद इसकी बॉडी पर हम इसको फेविकोल की हेल्प से चिपका देंगे। अब इसका हेड बनाने के लिए मैंने जो बॉडी बनाई थी उसके बीच में से ऑलरेडी एक स्क्यूर स्टिक ऊपर की तरफ छोड़ दी थी, ताकि इसका जो हेड है वो अच्छे से फिट हो जाए और इसके गिरने के चांसेस ना रहें इन फ्यूचर। तो अब बारी है इसके हेयर को बनाने की, जिसके लिए मैंने इसको कुछ इस तरह का टेक्सचर दिया है एंड इसको पेस्ट करने के लिए मैंने जस्ट पानी का यूज़ किया है। एंड मैं यहाँ पर इसके बालों को एक साइड की तरफ ऐसे उड़ता हुआ दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने जिस फोटो से रेफरेंस लिया था इसका, उसमें इसके बाल कुछ इस तरह ही दिख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स, हम इसके स्कार्फ को कैसे भूल सकते हैं, जिसे बनाने के लिए मैंने क्ले को रोल आउट करके उसकी दो रोब्स बना ली हैं एंड उनको इंटरट्वाइन करके कुछ इस तरह से लगा दिया है, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। एंड अब हम इसकी दूसरी आर्म भी बना चुके हैं एंड आप जो ये हाथ देख रहे हैं ना, ये वो हाथ है जिस हाथ में कमाला अपनी वो फेमस बैंगल पहनती है, जिसे पहन के उसमें कॉस्मिक पावर्स आ जाती हैं एंड इसीलिए हम इस हाथ को पर्पल कलर का करेंगे। तो इसे बनाने का काम खत्म हो चुका है एंड गाइस, जो इसका मास्क है वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है एंड इसके बाल भी देखिए मैंने लहराते हुए दिखाया एंड पीछे की तरफ से मैंने जो इसका स्कार्फ है वो भी उड़ता हुआ दिखाया है। Now it's time for the fun part. तो मैं इसे मिस मार्वल के ही क्लासिक कलर से पेंट करूंगी। तो गाइज, अगर आपको नहीं पता कि ये कैरेक्टर कौन है तो मैं आपको बता दूं कि ये मार्वल के फेज 4 की अब तक की सबसे यंगेस्ट सुपर हीरो है एंड ये फर्स्ट देसी सुपर हीरो भी है, जिसका नाम कमाला खान है एंड ये एक टीन गर्ल का कैरेक्टर प्ले कर रही है। एंड गाइज, जिन पावर्स के बारे में मैं आपको बता रही थी ना पीछे, जो बैंगल से कमाला को मिलती है, वो बैंगल एक्चुअली कमाला की पर नानी का होता है एंड वो बैंगल कमाला को उसकी नानी देती हैं। तो गाइज़, मुझे तो ये सीरीज़ पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी और अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो द कॉमिक्स टैग पर आप देख सकते हैं, मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी उस चैनल का। तो अब बारी है स्किन कलर से इसके हैंड्स और फेस को पेंट करने की। तो अब मैं इसके स्नीकर्स को पेंट कर इस पर डिटेलिंग दे दूंगी एंड मुझे ये स्नीकर्स बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। जस्ट लुक एट देम। तो
इसके ये सुंदर से बालों को कलर करने के बाद कोल्ड पेंट की हेल्प से इसके कॉस्ट्यूम को डिटेलिंग दूंगी। सो गाइस, जैसे मैंने यहाँ पर मिस मार्वल बनाई है, आप अपना कोई भी फेवरेट करेक्टर बना सकते हो, बट अगर आप बिगनर हैं तो आप पॉलीमर क्ले का ही यूज़ करना, उससे बनाने में आपको बहुत ही इजी होगा। एंड किड्स टू कैन ईजिली मेक एनी ऑफ द फेवरेट थिंग्स विद दिस क्ले। हाँ, अगर आप इस क्ले से काम करने के लिए कंफर्टेबल हैं या आप ऑलरेडी इससे काफ़ी प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर इट। मैं ऑलमोस्ट अपने हर प्रोजेक्ट में इस एयर ड्राई क्ले को यूज़ कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे इस क्ले से काम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट फिर भी इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे इस क्ले से काम करना थोड़ा डिफिकल्ट लगा। तो अगर आप भी इन फ्यूचर ऐसा कुछ ट्राई करने वाले हैं तो इस बात को ध्यान में ज़रूर रखना। एंड गाइस, हेयर इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। मुझे तो ये बहुत ही क्यूट लग रही है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसी लगी। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और न्यू फन प्रोजेक्ट्स एंड DIYs लेकर आऊँ तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हैव दैट नोटिफिकेशन ऑन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ़।